और एक बात इसमें सबसे बेस्ट मुझे लगा है कि डेट है 27th of May, 17 को डिलीवरी मिलने वाली थी बट कुछ रीजन से मैंने पोस्टपोन किया, तो आज मंडे है और डिलीवरी लेने जा रहे हैं। शाम के 4:30 हो रहे एंड काफ़ी सारे लोग जो ज्वाइन करने वाले हैं मुझे वो पहुंच गए ऑलमोस्ट, एंड मैं भी निकल रहा हूं अपनी अपाचे लेके। आज बाइक लेने जा रहा हूं और ये गाड़ी अभी अचानक दो बार बंद पड़ी है। मेहुल इज हियर जो आया है अपने डिलीवरी में मेरे साथ चलेगा। यहाँ पे मैंने GoPro की एक बैटरी चार्ज पे रख दी है और ये जो अभी मैं जिससे ब्लॉग कर रहा हूँ इसकी बैटरी सिर्फ 15% चार्ज है। और भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं कुछ लोग आ रहे हैं जो काफ़ी एक फ्रेंड्स है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स है वो लोग में से कुछ आ रहे हैं। लास्ट जब मैंने अपाचे की डिलीवरी लिया था तब मेरे साथ पापा आए थे एंड इट वॉज़ माई फर्स्ट लाइफ टाइम, लाइव बोलते हैं ना जिंदगी की पहली बाइक डिलीवरी कैसी होती है क्या होती है कुछ मुझे आइडिया नहीं था। और वक्त के साथ साथ हम लोग सीखते जाते और अपग्रेड करते जाते, ठीक उसी तरह अपाचे से मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूँ हिमालयन 450 पे। मुझे कल रात तक इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था ना 4:30, 4:30 बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। और अभी ऐसा हो गया कि कब बाइक लूँ और कब जाऊँ मैं राइड पे। और आज का मौसम गाइस इतना बेहतरीन हो गया ना, बोलते ना प्रॉपर राइडिंग वाला जो मौसम होता है वो मौसम है आज। जल्दी से शोरूम पहुँचते और आपको सीधा बाइक से रूबरू करवाते हैं, अभी हमसे भी रहा नहीं जा रहा। लो भाई लोग पहुंच गए हम लोग रॉयल एनफील्ड बदलापुर। It was 2020 जब मैंने पहला रॉयल एनफील्ड बुक किया था। अपाचे लेने से पहले मैंने रॉयल एनफील्ड ही बुक किया था हिमालयन, बट उसका 3 महीने का कुछ वेटिंग था तो मैंने 1 महीने के बाद कैंसिल करके अपाचे लिया। और 2024 में फाइनली वी आर द फैमिली ऑफ रॉयल एनफील्ड एंड वही बाइक हिमालयन जो BS3 थी तभी, अब BS3 या BS4 थी 2020 के टाइम पे, अब BS6.2 समथिंग है विद न्यू इंजन न्यू बॉडी, पूरा नया पूरा बॉडी मतलब पूरा हिमालयन ही चेंज हो गया। हियर इज सुमित जो आए डिलीवरी के टाइम पे, हियर इज मेहुल थैंक्स फॉर कमिंग, दुल्हन दुल्हन ढक्के खड़ी है वहाँ देखते हैं, चलो चलो चल चल हट। सीरियसली करो मारो डी करो डिलीवरी ले चुके हैं, सारा सिस्टम थोड़ा बहुत समझ लिया हमने और इतना कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बेसिक ही है लेकिन इजी है, तो ये सब हो जाएगा जैसे जैसे चलाएंगे वैसे वैसे और सीखते जाएंगे समझते जाएंगे बाइक को। और एक बात इसमें सबसे बेस्ट मुझे लगा है कि यहाँ पे बटन्स नहीं है अलग से, यू हैव अ जॉयस्टिक तो यहाँ से आप कनेक्ट टॉगल कर सकते सब कुछ। गाइस फाइनली गाड़ी शोरूम के बाहर आ चुकी है और इसके साथ गाइस हमें कुछ भी नहीं मिला है, थोड़ा सा पेट्रोल मिला है और ये एक टकला मिला है जिसमें वाइजर भी नहीं लगा है, वाइजर लगाने के लिए। हाँ यार रिएक्शन दे, ये जोमेटो वाला हेलमेट मिला है जिसके वाले भी इससे अच्छा, हाँ जोमेटो वाला भी इससे अच्छा हेलमेट बनते, इसके साथ वाइजर भी नहीं मिला है। वाइजर अगर आपको इसको लगाना है तो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। तो रॉयल एनफील्ड 3.5 लाख रुपये की बाइक ली है किसी ने तो कम से कम हेलमेट तो एक ढंग का दो। इसी सर्टिफिकेट ये भी नहीं है, ISI का बैच लगा दिया, नहीं कुछ भी सर्टिफाइड नहीं है, ये सब नल्ला हेलमेट है कुछ काम का नहीं है। सो मेरे हिसाब से ना रॉयल एनफील्ड को अच्छा हेलमेट देना चाहिए था और डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल देना चाहिए था, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, एक वो लाइट भी ब्लिंक कर रही है, आराम से डालना। कॉकपिट व्यू अभी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, इसका एंगल जो है मैंने हिमालयन के हिसाब से सेट किया हूँ अभी GoPro का, तो कैसे लग रहा है ओवरऑल। आई गेस इसका स्क्रीन फ्लिकर कर रहा होगा तो ये सिर्फ आज के ही वीडियो में होगा, नेक्स्ट टाइम में इसका जो रिफ्रेश रेट है किसका GoPro का वो मैं चेंज कर दूंगा तो फ्लिकरिंग बंद हो जाएगा। और इससे बड़ी एक खुशी क्या ही होती है बाइकर्स के लिए जब एक नई बाइक की डिलीवरी होती है, ये एक राइडर बाइकर या जो ड्रीम करता है बाइक लेने की उससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा, एक्चुअली कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत बड़ा ड्रीम होता है ये कि एक बाइक ओन करना ख़रीदना, वो भी ऐसी बाइक लाइक 40 घोड़ों की पावर है इसके अंदर, तो इतनी बड़ी बाइक बहुत मुश्किल होता है
एक मिडिल क्लास के लिए मेरे लिए भी मुश्किल था, और मैंने बुक करके कैंसिल करके लगभग 2.5-3 साल के बाद अब फिर से मैंने इसको ओन किया है। तो पहले मैंने बुक किया था 2020 में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लिया था बट वेट भी किया, फिर बाद में ना थोड़ा सा फाइनेंशियल वो कैलकुलेशन करने के बाद मैंने वो कैंसिल कर दिया था। बट एनीवेज आज खुशी का मौका है, ओन किया है हमने। एंड वो जो ऊपर वाला बोलता है ना कि जो देता है वो अच्छा ही देता है, तो उस टाइम अगर मैंने हिमालयन कैंसिल किया था तो उसका भी कुछ अच्छा ही रीज़न रहा होगा कि मुझे भगवान इसका वेट करवा रहे थे कि भाई एक बार 450 लॉन्च हो जाएगा तब लेना तू कमलेश, तब तक वेट कर। तो फिर मैंने अपाचे लिया, अपाचे से आप सारे लोग मुझसे अभी जुड़े हो एंड इस खुशी में आप बहुत सारे लोग शामिल हो गए मेरे साथ। तो कमेंट करके कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर बोलना। एंड अभी बहुत प्यारे प्यारे लंबे लंबे व्लॉग्स आएंगे और लंबी लंबी राइड्स होगी। अभी मम्मी को बताता हूँ, शी विल बी वेरी हैप्पी। पहले तो बहुत डांटेगी क्योंकि मम्मी को पूछ के मैंने बाइक नहीं लिया, मम्मी को सरप्राइज़ देना था क्योंकि मेरे पास अपाचे थी। और मिडिल क्लास में कैसा होता है ना, अगर आपके पास ऑलरेडी बाइक है और अगर आप नई बाइक और लेने जा रहे हो ना, तो फिर वो पेरेंट्स लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने घर पे बताया नहीं था, बट अभी लेने से पहले थोड़ा सा हिंट मैं घर पे दे के आया हूँ कि नई बाइक ले रहे हैं हम, ऐसा ऐसा सब चालू है। थोड़ा गुस्सा हुई थी मम्मी, बट अभी फ़ोन करके मना लिया हूँ मैंने, और अभी वो नारियल वगैरह थाली सब लेके रेडी है मम्मी। तो अब जैसे ही घर पे पहुँचेंगे पूजा चालू कर देंगे इसकी, आप पूजा करेंगे थोड़ा सा। और ये वाइज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है, टिंटेड वाइज़र है, इसका एक टूरिंग विंडशील्ड भी आती है, टूरिंग वाइज़र, वो भी अच्छा लगता है।